まさか俺これか。電車はね、景色が見える。これパンツを見るみたいな。いいな。マハラジャエクスプレイス。ナマステイ。ナマステイ。メラナム MC ケロリーヘイ。メラナムミッチヘイ。ところでミッチ。はい。Do you like train trip?Me, I love train. うん、僕電車大好きですよ。へえ、そう。電車より新幹線が好き。新幹線より飛行機が好き。He is あのちょっと変だから。あのね、僕はね、特に I went to Puttagaya from Varanasi by train. It was nice experience.It took 24 hours. あの24 hours delay. Delay? うん。あの電車に乗った後、トラブルで到着時間が24時間遅れた。どうすんの？駅で24時間待ってんの？線路の途中で、そう、止まって、進み進み。It is, was a good memory. トイレとかあんの？ちゃんと。あったあった。普通に空いてんの？行こうと思ったらすぐ行けん。多分ね、覚えてないけど。でもトイレもね、普通に下に落っこちるみたいな。ああ、なるほどね、うん。お風呂はない。ないよ、そんなもん。あ、そう。そう。Today, we're gonna watch top 10 most luxurious trains in India. Luxury? そう。僕が乗ったのは、安い電車でしたけど、寝るやつ、寝台列車でしたけど、今日見るのは、ラグジュアリーですから。インドでね、そんな豪華な電車のイメージはないですよ。そう。気になりますね。そう。行きましょう。3、2、1。Thus, Heritage on Wheels, India ki sabse purani luxury trains mein se ek. Heritage on Wheels, Rajasthan ki dharohar ki sair karwati hai. Iske kai compartments Palace on Wheels se liye gaye hain.और इसलिए इसकी शान और शौकत में कोई कमी नहीं है। इसका रूट राजस्थान के बीकानेर, नवलगढ़ और पूरे शेखावटी हिस्से से होकर गुजरता है। इस बेहद खूबसूरत ट्रेन में सफर करने का किराया 10,000 से 20,500 रुपए के बीच है। हेरिटेज ऑन व्हील्स हफ्ते में केवल दो दिन जयपुर से चलती है। शाही कैबिन्स, कॉन्टिनेंटल लोकल रेस्टोरेंट्स और आलीशान बार्स इस ट्रेन को हर तरह से लग्जरी बनाते हैं। जैसलमेर 9 पंजतक दर्शन ट्रेन। ये ट्रेन खास तौर पे समाज के लिए बनाई गई है, जिसमें बैठकर व्यक्ति एक ही बार में देश के 5 प्रमुख गुरुद्वारों के दर्शन कर सकता है। ट्रेन में पंजाबी संस्कृति की झलक साफ साफ दिखाई देती है। इस ट्रेन का रूट दिल्ली से अमृतसर, सरहिंद और भटिंडा तक का है और ये सफर केवल 4 दिनों में तय कर लिया जाता है। आप सोच रहे होंगे पाउंटा और नांदेड़ साहिब का क्या? तो फिक्र ना करें, इस ट्रेन के पैकेज से दोनों जगहों तक फ्लाइट से पहुंचाया जाता है और वापस दिल्ली भी लाया जाता है। वैसे इस ट्रेन को शायद जाए, लेकिन ये अपने आप में एक सबसे अनोखी और अलग आठ महापरिनिर्वाण एक्सप्रेस। ये स्पेशल लग्जरी ट्रेन है जो बौद्ध भारत का दर्शन कराती है। इस आध्यात्मिक ट्रेन में मालाएं पहनाकर स्वागत किया जाता है और मुफ्त में बौद्ध साहित्य भी दिया जाता है। उनके जन्म के स्थान से लेकर उनके निर्वाण स्थान तक ये ट्रेन नेपाल तक जाने वाली ये देश की चुनिंदा इंटरनेशनल ट्रेन्स में से एक है, क्योंकि ये ट्रेन नेपाल तक जाने पास वीजा होना जरूरी है और ये बॉर्डर पर आसानी से उपलब्ध भी हो जाता है। इस ट्रेन में 7 दिनों के पैकेज के लिए फर्स्ट क्लास के 75,000 और सेकंड क्लास के 60,000 रुपए लगते हैं और भारतीय नागरिकों को 10% की छूट भी मिलती है। यात्रियों को कोई असुविधा ना हो इसलिए हिंदी भाषी अटेंडेंट भी दिया जाता है। सारे बौद्ध तीर्थों तक कम समय में और साथ रॉयल ओरिएंटल ट्रेन। रॉयल ओरिएंटल ट्रेन इंडिया की सबसे पुरानी लग्जरी ट्रेन है, जो ब्रिटिश राज के दौरान शुरू की गई थी। 1855 से चलने वाली ये ट्रेन
दिल्ली से चलकर राजस्थान और गुजरात के हर बड़े शहर तक का सफर तय करती है। इस पांच स्टार ट्रेन में शानदार कैबिन्स, कई तरह का खाना बनाने वाले रेस्टोरेंट और एक बार भी है। इसके अलावा अगर आप बोर हो जाते हैं तो इसमें एक लाइब्रेरी भी है जो हर समय आपके लिए खुली है। एहसास कीजिए कि पांच स्टार होटल का जो कुछ भी वहां होता है सब इस ट्रेन में मौजूद है। इसके लग्जूरियस कैबिन्स में एसी, टीवी, डीवीडी और पर्सनल बाथरूम भी होते हैं। और इसकी खास बात ये है कि हमेशा समय पर चलती है। इसकी एक टिकट की कीमत 8,000 रुपए प्रतिदिन है, जो इतने आरामदायक सफर के लिए कोई ज्यादा नहीं है। फेरी क्वीन एक्सप्रेस, अगर आप एक छोटे और रिफ्रेशिंग सफर पर जाना चाहते हैं तो ये ट्रेन आप ही के लिए बनी है। जी हाँ, दिल्ली से अलवर को जाने वाली फेरी क्वीन एक्सप्रेस कुछ ऐसा ही सफर करवाती है। सरिस्का नेशनल पार्क तक टूरिस्ट को ले जाने के लिए इस ट्रेन को शुरू किया गया था। 1800 के समय से चल रहा इसका इंजन इंडिया का सबसे पुराना ट्रेन इंजन है और इसलिए इस ट्रेन का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। अवार्ड से सम्मानित ये ट्रेन खाना मुफ्त है। सरिस्का नेशनल पार्क की जंगल सफारी एक टूर को ले जाना इस ट्रेन का मुख्य उद्देश्य है। 11,000 रुपए में ये 2 दिनों का एक सुखद सफर कराती है। बस बात ये है कि ये महीने में केवल 2 ही दिन चलती है और इसलिए आपको पहले ही टिकट बुक करवानी होगी। इस ट्रेन की बनावट इस प्रकार की गई है कि इसमें बैठने वाले सारे 60 पैसेंजर्स कांच के द्वारा आगे की ओर देख सकते हैं और इस ट्रेन की विशाल पेंट्री कार भी एक विशेष आकर्षण है। 5. गोल्डन चैरियट। पूरे साउथ इंडिया का टूर करना चाहते हैं? गोल्डन चैरियट से अच्छा और कोई तरीका नहीं है। पूरे दक्षिण भारत का टूर केवल 8 दिनों में कराने वाली ये ट्रेन वाकई में शाही है। 2008 में शुरू की गई इस ट्रेन में शाही बैठक, कई सारे रेस्टोरेंट्स और एक अत्याधुनिक जिम। अगर आप लंबे सफर की वजह से थक चुके हैं तो इस ट्रेन का आयुर्वेदिक स्पा आपकी सेवा में हर समय हाजिर रहेगा। कोई एशियाज बेस्ट लग्जरी ट्रेन। 4. डेक्कन ओडिसी। महाराष्ट्र और गुजरात के खूबसूरत स्थानों तक ले जाने वाली ये ट्रेन की बनावट किसी महल से कम नहीं है। नक्काशी का उपयोग और कई सारी सुविधाओं के साथ ये भारत की सबसे आलीशान ट्रेन्स में से एक है। सारी लग्जरी ट्रेन से अलग डेक्कन ओडिसी में लाउंज और पर्सनल कॉन्फ्रेंस कार की सुविधा भी है। तो अगर आप एंजॉयमेंट के बीच अपने काम को रोकना चाहते तो ये ट्रेन इस बात का खास ध्यान रखती है। रेस्टोरेंट से मिलने वाला मनपसंद खाना और म्यूजिक सफर को बेहद आरामदायक बनाते हैं। मुंबई के शोर से लेकर अजंता की गुफाओं तक, गोवा के बीचेस और नासिक के मंदिरों तक इस ट्रेन का सफर किसी सपने जैसा है। 3. पैलेस ऑन व्हील्स। नाम की तरह ये ट्रेन एक चलता फिरता पैलेस है। राजस्थान भ्रमण के लिए इस ट्रेन को खास तौर पर बनाया गया है। महलों सी नक्काशी और खूबसूरत चित्रकारी इसकी पहचान है। मारवाड़ी पकवान और ठेठ मारवाड़ी हॉस्पिटैलिटी सभी यात्रियों का दिल खुश कर देती है। इस लग्जरी पैलेस का सफर नई दिल्ली से जयपुर और चित्तौर होते हुए जैसलमेर, उदयपुर और जोधपुर को जाता है। ट्रेन का लक्ष्य राजस्थान के सारे टूरिस्ट स्पॉट्स को कवर करना है। राजस्थान का टूरिज्म भी इस ट्रेन का खास प्रचार और देखभाल करता है। आपको कई विदेशी टूरिस्ट इस ट्रेन में नाच गाने और राजस्थानी खाने का लुत्फ उठाते दिखेंगे। तो राजस्थान ऑन व्हील्स, भारत की सबसे महंगी और आलीशान ट्रेन, जिसकी टिकट्स खरीदने के लिए शायद घर का कुछ सामान भी बेचना पड़ जाए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजस्थान ऑन व्हील्स की, जिसमें एक व्यक्ति के सफर की कीमत 3.5 लाख से 7.5 लाख रुपए है। आगरा के ताजमहल से लेकर वाराणसी के गंगा घाटों तक और खजुराहो के मंदिरों से राजस्थान के किलों तक ये ट्रेन भारत की अद्भुत सुंदरता को देखने का एक अमूल्य तरीका है। कई अवार्ड से सम्मानित ये ट्रेन वाकई में भारत की शान है। 1. महाराजा एक्सप्रेस। महाराजा एक्सप्रेस इंडिया ही नहीं बल्कि वर्ल्ड की सबसे लग्जूरियस ट्रेन में से एक है। ये ट्रेन शाही अंदाज में भारत दर्शन के लिए बनाई गई है। इसके अधिकतर यात्री दूसरे देशों के होते हैं और इसकी मेहमान नवाजी देश के सबसे बेहतरीन दल के हाथों होती है। महाराजा एक्सप्रेस का सफर केवल किया जा सकता है। ट्रेन की कुल लंबाई 0.5 मील है और इसका नाम दुनिया की 5 सबसे खूबसूरत ट्रेन्स में गिना जाता है।
ट्रेन के हर कोच का नाम कर्नाटक प्रशासन करने वाली रियासतों के नाम पर है। महाराजा एक्सप्रेस के हर यात्री को बार और लाउंज में कॉम्प्लीमेंट्री बियर, वाइन और स्नैक्स दिए जाते हैं। एलईडी टीवी, डीवीडी प्लेयर्स, ये सब महाराजा एक्सप्रेस के हर कैबिन में होते हैं। इसके अलावा डाइनिंग हॉल जिसमें 40 यात्री एक साथ भोजन कर सकते हैं। तो क्या आप भी ट्रेन में से किसी पर सफर करना चाहेंगे? क्योंकि रेलवे इन लग्जरी ट्रेन के किराए को 50% से कम करने का फैसला कर रहा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और देखें हमारा वीडियो टॉप 10 ब्यूटीफुल ट्रेन राइड्स। どうでした？僕はね、マハラジャエクスプレスに I would like to take a マハラジャエクスプレス。あんな豪華だったらそれ乗りたいわね。ねえ。イメージと全然やっぱ違うね。ねえ。マハラジャエクスプレス、なんと7泊8日で67万円です。高いですよね。その7泊も使ってどこまで行くの？アーグラ、デリー、ジャイプールとか。結構こう行くよ、うん、そんな遠いとこ行くのね。うん、そりゃ7泊しますよ。僕はねやっぱりね電車っていうところに僕は青春を感じます。へえ。うん、あと船とかね、船旅。ああそう、うん、なので僕はねこれすごい興味深かった。確かにね、うん、まあ、あんだけ言ったりできない。いやでも払えないな、高いな。やっぱインドでも相当な富裕層が行くんでしょうね。ですね。あなたの身の回りにマハラジャエクスプレス乗ったことある人いますか？どんな感じだったか、もしいたら教えてください。はい。ということでね、Today we watched top 10 most luxurious train in India. My favorite train is マハラジャエクスプレス。ということで、One minute Japanese lesson! イエーイ！Okay, today I'm gonna teach you how to say I want to take a train. 私は電車に乗りたいです。私は電車に乗りたいです。電車 means train. Yes. 電車。Yes. And there are many 電車オタク。I love 電車。I love the train. Yes. はい、ということで。Thank you for watching my video. Thank you. If you like this video, please subscribe and comment, please. And share on WhatsApp. Okay, so, Danyawa. Danyawa. Film Rengi. Film Rengi. Gifuken ni umare mashita. Hikare masu. Sore doko desu ka? Kotae masu. Nihon no mannaka desu. Minna komatta kao shimasu.関西関東基準は岐阜天下分け目の関ヶ原です。そんなこと言ってもわからないから嘘をついて名古屋出